पब्लिक टीवी आपकी आवाज। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों में महिला उम्मीदवारों को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है, जो पुरुषों को चुनौती दे रही है। प्रचार ऐसा हो रहा है कि कुछ घंटों की नींद न भूख सता रही है और न प्यास। सुबह से देर रात तक चल रहा है चुनाव प्रचार। अपना घर भूलकर वोटरों की चौखट पर प्रत्येक दिन संपर्क में जुटी हैं कोरबा लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत का चुनाव प्रबंधन पति डॉक्टर चरणदास महंत कर रहे हैं। वैसे भी डॉक्टर चरणदास महंत छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष हैं और कोरबा लोकसभा सीट से पहले भी उन्होंने जीत हासिल की थी। आज भी उनकी स्वच्छ साफ छवि के चलते उनका दूर दूर तक नाम है, जिनकी बदौलत उनकी धर्मपत्नी ज्योत्सना महंत को टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व रही विधायक रेणुका सिंह, जो अपनी दबंग तेज तर्रार छवि के लिए जानी जाती हैं, सरगुजा क्षेत्र के लिए पहली महिला प्रत्याशी उम्मीदवार हैं। इससे पहले भाजपा या कांग्रेस किसी ने महिला उम्मीदवार को इस क्षेत्र में नहीं उतारा था। यही वजह है कि रेणुका सिंह, जो सरगुजा क्षेत्र की लोकसभा की प्रतिष्ठित सीट कहलाती है, जिसके लिए दिन रात रेणुका सिंह चुनाव प्रचार में अपना समय देकर जीतने की हर कोशिश में लगी है। वहीं दुर्ग लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिमा चंद्राकर को कांग्रेस ने टिकट देकर एक बार फिर इस सीट को हासिल करने के लिए 61 साल की प्रतिमा ने अपने जीतने के लिए अपना दिनचर्या एकदम से बदल दिया है। सुबह से रात तक अपने क्षेत्र में तूफानी प्रचार में लगी हुई है। प्रत्येक दिन 150 किलोमीटर का सफर कर जनता के बीच वोट मांगने और उनके बीच समय गुजारने का भरपूर कोशिश कर रही हैं। वहीं जशपुर नगर से भारतीय जनता पार्टी ने गोमती को रायगढ़ लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है, जो गांव-गांव में जाकर प्रचार कर रही है। जहां रात में गांव में या कार्यालय में विश्राम कर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अगले दिन की रणनीति बनाकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। देखना ये होगा कि इनका तूफानी चुनाव प्रचार से भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को कितना फायदा होता है।